बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं में जो बच्चे पंजाब बोर्ड के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें पूर्वी के विधायक संजय तलवार ने अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को एक्टिवा स्कूटी इनाम में देने का जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए दो बच्चों को एक्टिवा स्कूटी इनाम के तौर पर दी गई। इस दौरान संजय तलवार का कहना था कि इससे बच्चे उत्साहित होंगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे। अज तो तकरीबन एक साल पहला साड़ी सारी जिहड़े ईस्ट से साडे कौंसलर साहिबान ने और मैं असी मिलकर फैसला किया सीगा कि जिहड़ी एजुकेशन और हैल्थ ये दोनों चीज़ों सपोर्ट करने वास्ते असी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल अपने वालों करिए तो वो असी अनाउंसमेंट की कि जिहड़े बच्चे बच्चियाँ 10वीं चो और प्लस टू के सब तो ज़्यादा मार्क्स लैके आएंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे तो असी उन्होंने एक्टिवा स्कूटर गिफ्ट करांगे और सानू दो बच्चों का जिहड़ा इत्थे एक लड़की गीता जिन्होंने प्लस टू के 401 मार्क्स लिते है तो सैकेंड है अंजलि ये BCM सीनियर स्कूल स्कूल है फोकल पॉइंट तो इन्होंने 10th प्लस टॉप किया। अज असी दोनों एक्टिवा देन जा रहे हैं और असी मैं अज तुहाडे माध्यम नाल ये भी अनाउंस करना कि नैक्सट ईयर असी कुछ ना कुछ होर बच्चे ऐड करांगे ताकि असी बच्चों मोटीवेट कर सकीए। ये इट्स नोट ए गिफ्ट एक मतलब असी चाहते कि बच्चे एक दूजे को देख के उन्हें कंपीटिशन की भावना पैदा होवे और ज़्यादा कोशिश करन ज़्यादा पढ़न उहदे नाल नाल एक साडी सोच ये भी है कि असी सारे जिहड़े साडे गवर्नमेंट स्कूल ने उन्होंने अपग्रेड कर सकीए ताकि असी जिहड़े साडे इत्थे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ाई का स्केल है उच्चा चक के उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के बराबर खड़ा कर सके। ये सारा कुछ साडा परसनल है जी असी किसी सरकार तो नहीं मदद मांग रहे ये सब कुछ अपने वालों है और अगों भी जो भी असी करांगे असी अपने वालों करांगे। प्लस टू क्लास है 89% मार्क्स आए थे आर्ट स्ट्रीम में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा लेबर का काम करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी चाहते थे कि मुझे एक्टिवा लेकर दें लेकिन वो नहीं लेकर दे पा रहे थे तो बहुत बहुत शुक्रिया MLA सर का। नहीं मुझे पहले तो कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने अचानक ही मैम ने फ़ोन किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे।